नालागढ़ के रामपुर पोसवाला के 17 वर्षीय जतिन हत्याकांड मामला। पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट परिवार वालों समेत एक प्रतिनिधिमंडल एसपी बद्दी से मिला। एसपी बद्दी से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उठाई गई मांग। एसपी बद्दी मोहित चावला ने दिया मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन। नालागढ़ के रामपुर पोसवाला गांव के रहने वाले 17 वर्षीय जतिन नामक युवक को पहले किडनैप किया गया था और उसके बाद उसे गाड़ी समेत डुबोकर भाखड़ा नहर बुग्गा साहिब में हत्या कर फेंक दिया गया था। मृतक जतिन का शव एक सप्ताह बाद पंजाब के रूपनगर जिला के तहत अलीपुर गांव के पास मिला था। मृतक की हत्या के कई दिन बीत चुके हैं और लेकिन पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी बद्दी से मिला। एसपी बद्दी से मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई गई और पीड़ित परिजनों ने एसपी बद्दी से गुहार लगाई है कि इस मामले में कोई एक व्यक्ति उनके बेटे को किडनैप नहीं कर सकता। उनके बेटे को किडनैप करने के लिए कई लोग इस मामले में हो सकते हैं। उन्होंने आधा दर्जन के करीब अज्ञात लोगों पर शक जाहिर किया है कि पहले उनके बेटे को उनके घर के पास से किडनैप किया गया और उसके बाद उसे भाखड़ा नहर में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल एसपी बद्दी मोहित चावला ने मृतक के परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और कहा है जो भी मृतक के परिजनों को डाउट है उन्हें क्लियर किया जाएगा और मामले में अगर कोई भी व्यक्ति और जुड़ा है तो उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी बद्दी ने कहा है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मृतक जतिन के परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही पर शक जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई अब तक ढीली रही है जिसके चलते एक ही व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में नहीं हो पाई है, जिसको लेकर वह एसपी बद्दी से मिले हैं और एसपी बद्दी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी मामले में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मृतक के परिवार वालों ने शक जाहिर किया कि एक व्यक्ति गाड़ी चलाकर उनके बेटे को किडनैप नहीं कर सकता। उनके बेटे को किडनैप करने के लिए अन्य आरोपियों की भी इन्वॉल्वमेंट है और पुलिस से अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी बद्दी मोहित चावला का कहना है कि जतिन के परिवार वालों ने उनके साथ बैठक की है और अपने कुछ डाउट्स रखे हैं। मोहित चावला का कहना है कि मामले में डीएसपी नालागढ़ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और मामले में जुड़े हुए हर पहलू से गहनता से छानबीन की जाए ताकि मामले में जुड़े अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने परिवार वालों को आश्वासन देते हुए कहा है कि मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। आज हम सब गांव वाले पिंड वाले सब एसपी साहब को मिलने के आए थे कि हमें इस केस के बारे में पूरी डिटेल अभी तक क्लियर नहीं मिल रही, इस करके हमें एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। एसपी साहब ने हमें पूरा विश्वास दिया कि हम पूरी इस चीज़ को छानबीन कर रहे हैं और आपको विश्वास देंगे कि पूरा हमने काम किया है। एक 17 वर्षीय बच्चे को पहले किडनैप किया फिर उसकी हत्या कर दी, हाँ जी, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या रहा होगी बच्चा? बच्चे की कोई ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी ना घर वालों की थी और इस करके बच्चा बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत समझदार बच्चा था जो कि हम देखते थे उसको, कोई ऐसी उसमें कोई ऐसी हरकत नहीं थी जिस करके उस बच्चे को नाजायज जो है ना मारा गया। कैसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप? हम जो है ना उन आदमियों से जो भी उसके साथ जिन्होंने ये काम किया है उनको अच्छी से कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी हमें तसल्ली होगी, इंसाफ हमें मिलेगा। अभी हम और कुछ नहीं करें। तो सर ये जो जतिन आपका बेटा था जो उसकी डेथ हुई है किन्हीं कारणवश, आज आप एसपी साहब से मिले, क्या कारण रहा मिलने का और क्या एसपी साहब ने क्या बोला आपको? अभी साहब बात ये है अभी उसको तकरीबन 15 दिन हो गया ऐसे केस हुए, अभी उसका कोई इधर उधर का कोई हम लोग को कुछ नहीं मिला इसका भी कैसे है कैसे नहीं क्या है, तो इसके लिए हम एसपी साहब से मिलने आए थे।
भी पूछ कर आए कैसे है साहब, कैसे चले गए, कैसे है। हमारा किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, जो इस केस में इन्वॉल्व है उसी के ऊपर सब केस चलना चाहिए जी। और जो भी है उसको ठीक सजा मिलनी चाहिए जी। तो क्या कारण क्या हुए थे बच्चे की मौत के, क्या कारण रहे थे उस टाइम? कारण तो कुछ नहीं, ऐसा बच्चा है, ऐसा भी नहीं है भी लड़ाई झगड़े वाला था, कोई सपोर्ट्स करता था। 2012 से हम उसके डैडी और वो मॉर्निंग वॉक आते सुबह जी 5:30 से 7:30 बजे जी। ऐसा कोई उसमें नहीं लड़ाई झगड़े वाला कोई नहीं, आप मिल गए आपके पाँव हाथ लगाता, जो भी मिलेगा बड़ा मिलेगा उसी को पाँव हाथ लगाता है। कोई लड़ाई झगड़े वाला तब भी मान सोच रहे थे भी ऐसा कोई झगड़ा है, तो वो तो अपना दोस्त के ऊपर में फ़ोन आने से उसके बुलाने से वो चला गया, उसको कोई ये मालूम था भी ऐसा ही है। लेकिन वो उसको जहाँ गाड़ी खड़ा था वो गाड़ी के पास छोड़ दिए, गाड़ी में बैठाया जाकर है, मालूम नहीं वहाँ एक आदमी था दो आदमी थे कितने थे हम लोग तो देखा नहीं हो है। वो जब गाड़ी लेकर भागा वो लड़का अपने घर में आया घूमकर, इधर से इनके फ़ोन जाने लगे भी कहाँ है हमारा लड़का कहाँ है, है? उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन चला गया, पुलिस स्टेशन जाके वो लिखाया भी ऐसे ऐसे उसको एक आदमी गाड़ी में बैठा कर ले गया। तो अपना आज एसपी साहब से आप मिले तो क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? एसपी साहब बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, वो तो बोलते हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको हम छोड़ेंगे बक्सेंगे। 17 वर्षीय उसकी डेड बॉडी मिली थी भाखड़ा नहर से, उनके परिवार वाले आए होंगे आपसे मिले, क्या हुई बात? देखिए ये FIR नंबर 115/23 है नालागढ़ पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये जतिन जो बच्चा है इसकी ऑलमोस्ट 5-6 डेज के बाद डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट रोपड़ नहर से मिली। इसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था एंड अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। मैं फैमिली से आज मिला हूँ, उनके साथ उनके परिजन भी आए थे। अगर इनको किसी पे डाउट है तो पुलिस, मैंने DSP साहब और जो IUN को बुलाया हुआ था, मैंने डायरेक्शन दे दी है थाना लेवल पे, इस पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन सही चली हुई है, साइंटिफिक एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे किए हैं। ज़्यादा डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि पोस्टमार्टम IGMC में हुआ, FSL की टीम आई इत्यादि, बट अगर इनको किसी पे डाउट है तो मैंने इनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है, लिखित में भी मेरे ऑफिस से डायरेक्शन चली गई है कि आप इसमें फिर इन्वेस्टिगेशन करें ताकि बच्चे की आत्मा को शांति मिले और हम न्याय दें इसमें। सर इन्होंने परिवार वालों का तो एलिगेशन है कि पहले बच्चे को किडनैप किया गया, फिर उसके बाद जो आरोपी है उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर उसको नहर में डुबोया। एब्सोल्युटली इनिशियल FIR भी किडनैपिंग में ही रजिस्टर हुई थी, गाड़ी नहर में गई थी, उसमें मौके के चश्मदीद गवाह भी हैं, उसमें एक ही लड़का साथ में था और ये खुद ट्रैवल करके आया है। अब इसमें क्या रीज़न रहा, उसके पीछे किसने कोई अगर सपोर्ट मैकेनिज्म है या क्या रीजनिंग रही, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत ढंग से चली हुई है। एक स्पेशल टीम इसमें DSP साहब और SHO साहब खुद कार्रवाई कर रहे हैं। पहला पर्पज़ ये था कि एक्यूज़ को पकड़ा जाए, दूसरा टारगेट ये था कि बच्चे की डेड बॉडी मिले। गोताखोरों की टीम लगाई गई, डाइवर्स की टीम लगाई गई, 5 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है, IGMC में पोस्टमार्टम हुआ है। जहाँ तक लोकल पुलिस की बात है, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उसको प्रॉपरली और डिलीजेंटली रिकॉर्ड किया जा रहा है। हो सकता है इनको डाउट्स हैं, तो उसके बारे में भी मैंने आज इनको डायरेक्शन इशू किए हैं कि उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए और डाउट्स को क्लियर किया जाए। पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन, मैं संतुष्ट हूँ अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन एकदम सही चली हुई है। जो मेन अक्यूज हैं वो सलाखों के पीछे हैं, जुडिशियल कस्टडी में है, धाराओं में केस रजिस्टर्ड है, 363 है, 302 है, एंड मेरी तरफ से पहले भी डायरेक्शन है, बट आज क्योंकि मेरे से मिले हैं तो वील इंश्योर जो भी इनके डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करें।